बाल विवाह चाइल्ड मैरिज कहीं पर होती है वो राजस्थान में। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को रोकने के लिए कोई अभियान चलाया गया तो वो चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए चलाया गया था, लेकिन अब राजस्थान की गहलोत सरकार इसके लिए सर्टिफिकेट बांटी। तो जो चीज अवैध है उसके लिए वैध सर्टिफिकेट कैसे दिए जाए, इसी पर आज डिबेट करेंगे। इसी पर एक बात बताइए, इसको आप गलत मानती हैं, बाल विवाह गलत है, हाँ या ना? बाल विवाह पूर्ण रूप से गलत है, बाल विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चोरी करना लूट करना गलत है, हाँ या ना? बिल्कुल गलत है। दोनों चीजें इलीगल है, हाँ या ना? बिल्कुल इलीगल है। चोरी के लिए लूट के लिए आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका सर्टिफिकेट देंगे, हाँ या ना? कैसी बात कर रहे हैं आप, चोरी और लूट के लिए सर्टिफिकेट, चोरी और लूट और सिंपल एक ही चीज में मानते हैं। आप एक्सपोज हो रहे हैं, अपने आप को खुद ही कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं दे रही हूँ आपकी बात का जवाब। दोनों चीजें इलीगल है, दोनों चीजें लीगल नहीं है, दोनों के अगेंस्ट में कानून है। इलीगल है, चोरी चोरी एक अलग चीज है और शादी दूसरी चीज है। अरे एक बात बताइए, शादी को एक ही मानते हैं क्या? एक ही मानते हैं क्या आप चोरी और शादी को? अरे शादी नहीं है, बाल विवाह। बाल विवाह प्रतिष्ठा जी, आपने महिला दृष्टिकोण की बात की थी कि महिला दृष्टिकोण से देखिए, महिला दृष्टिकोण से देखिए। मैं किसी भी दृष्टिकोण से देखूं, पुरुष के दृष्टिकोण से, महिला के दृष्टिकोण से, मुझको गलत लगता है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप महिला दृष्टिकोण की बात करती हैं, तो मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ रहा कि रेप के मामले में राजस्थान टॉप पर है, चाइल्ड मैरिजेस के मामले में राजस्थान टॉप पर है, जो ऑनर किलिंग की बातें जो सबसे ज्यादा उठती हैं उस पर राजस्थान टॉप पर है, महिला विरोधी जो चीजें होती है, गतिविधियां होती हैं, उस पर भी राजस्थान टॉप लिस्ट में शामिल है। तो जब इतनी सारी चीजें महिला विरोधी हो रही है, तो वहां आपका महिला दृष्टिकोण कहां जाता है? सरकार का महिला दृष्टिकोण वहां पर कहां चला जाता है? अब जहां पर अधिकारियों को कार्रवाई में लगाया जाना चाहिए था कि कैसे बाल विवाह के ग्राफ को जो 20% तक हम लेकर आए आजादी के बाद से लेकर आज तक, उसको और ज्यादा कम कैसे करें, बजाय इसके कि आप अधिकारियों को लगाएं कि वो बैठ के दफ्तरों में सर्टिफिकेट्स बांटें।